एक्टर सुशांत सिंह राजपूत मामले में पिछले दिनों एक मिस्ट्री गर्ल को लेकर खूब चर्चा हुई। इस लड़की का एक वीडियो सामने आया था। वीडियो में लड़की एक काले रंग के बैग के साथ सुशांत के फ्लैट की तरफ जाते हुए नजर आई थी। इस लड़की को लेकर अलग अलग तरह की कहानियां भी सामने आई। सोशल मीडिया पर काफी बवाल भी मचा, कई थ्योरीज भी सामने आने लगी। कहा यह भी गया कि ये लड़की कोई और नहीं बल्कि रिया चक्रवर्ती की फ्रेंड और फरहान अख्तर की गर्लफ्रेंड शिबानी दांडेकर है। लेकिन अब खुद शिबानी ने सामने आकर इस मिस्ट्री गर्ल का सच बताया है। दरअसल सोशल मीडिया पर लग रहे आरोपों पर शिबानी दांडेकर ने अब अपनी चुप्पी तोड़ी है। उन्होंने ट्वीट किया है और लिखा है कि ये लड़की मैं नहीं हूँ और ये सिमोन भी नहीं है। शक करने से पहले कृपया फैक्ट चेक कर ले। ये सुशांत सिंह राजपूत की पीआर पर्सन और असिस्टेंट राधिका निहलानी है। फेक न्यूज को फैलाना बंद करें, बहुत हो गया। मेरी खामोशी आपको इस बात की इजाजत नहीं देती है कि आप झूठ फैलाएं। वहीं मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सुशांत सिंह राजपूत की मौत की खबर सुनकर राधिका निहलानी उनके फ्लैट पर पहुंची थी, लेकिन पुलिस ने उन्हें अंदर जाने नहीं दिया था। इस दौरान वो मीडिया के कैमरों में कैद हो गई। उनकी ये वीडियो सामने आने के बाद तरह तरह के सवाल उठने लगे। सुशांत की मौत से उनका कनेक्शन भी जोड़ा जाने लगा। आखिर है कौन ये राधिका निहलानी? दरअसल राधिका निहलानी सुशांत सिंह राजपूत की पीआर थी। वो एक्टर की कंपनी थिंक इन फाउंडेशन की को फाउंडर है। उनका ताल्लुक फिल्म मेकर और CBFC चीफ पहलाज निहलानी से है। वो पहलाज निहलानी के बेटे की वाइफ है। दरअसल पहले इस मिस्ट्री गर्ल को लेकर कहा गया कि ये रिया चक्रवर्ती के भाई शोविक चक्रवर्ती की दोस्त जमीला है। जमीला सुशांत की मौत की खबर सुनकर प्रियंका खेमानी और महेश शेट्टी संग उनके घर पहुंची थी। वहीं सुशांत के फैमिली लॉयर विकास सिंह ने भी आरोप लगाए थे कि ऐसे किसी भी लड़की का अचानक सुशांत के फ्लैट पर आना और फिर वहां से गायब हो जाना, ये बहुत ही संदिग्ध है। इस लड़की की पहचान का पता लगाना होगा। वेल, शिबानी ने तो अपनी सफाई दे दी है और इस मिस्ट्री गर्ल का राज भी खोल दिया है। लेकिन आप लोगों के क्या है रिएक्शंस, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और देखते रहिए बॉली बीट्स।